क्या आई एम बैक। शायद से महीने भर के बाद अपन लोग आ रहे हैं वापस से, बट वॉट एवर, आज आ गए। महीने भर के अंदर बहुत कुछ हो गया एस एम बी में, लेजिट बहुत कुछ हो गया। पिछली बार में जितना तुम लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो के अंदर, हमारे सारा फार्म इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका था। इसमें से बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही, बट गन पाउडर फार्म का आई डोंट इवन नो कि क्या हो रखा है भाई। इसका प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गया, इतना यार इसके बाद ख़त्म, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा इस चीज़ के अंदर। अगर लोग हम यहाँ से इधर आते बिजगू मेल में कह लूँ स्किन दिखाने के लिए क्या था भाई, जब यू कैन रेट माई स्किन। अभी अभी नया नया है, कुछ चेंजेस करने तो हम लोग कर सकते हैं। ये कॉबल स्टोन फार्म, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दो, मोस्टली ये वीडियो बहुत यार नए लोगों के पास पहुँच रहा होगा। सो आई एम मेकिंग ऐसे टाइप ऑफ वीडियो क्योंकि भाई इसका कॉबल स्टोन आओ के देखो क्या कॉबल स्टोन रेट है इस फार्म का भाई। लेजिट इससे अच्छा फार्म मैंने आज तक देखा ही नहीं था। लाइक मैं फार्म ज़्यादा बनाया नहीं करता था, बट अब थोड़ा ग्राइंड वाइंड वाला सीन पे आ गया था। जैसे आयरन फार्म, वैसे बता दूँ तो ये मेरा वर्ल्ड का स्पॉन है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ फार्म्स रहते हैं वो 24/7 एक्टिव रहता है। नीचे आएंगे शू, यहाँ पे देखो आयरन, भैया आयरन की कमी नहीं है हमारे यहाँ, ये कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। यहाँ पे एफ के स्पॉट बनाया हुआ है मैंने, ये रहा, इसके अंदर एफ के करो ना करो। देखो इस साइड आते यहाँ पे देखो कैरेट्स एंड ये बनाते हैं, कैरेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है, बहुत ही बढ़िया भाई। अल्सो जिसको भी डाउट रहता कि भाई ये शल इसके अंदर क्या क्या सामान है, ये सारी चीज़ें मैं बताता तुमको। मोस्टली इस चलकर लाइक जो भी मेरा एंडर चेस्ट है ना, इसके साथ किसी को डाउट भी हो ना तो प्लीज़ चेकआउट द वीडियो, मैं अभी पॉपअप आ रहा होगा, इस वीडियो को जाकर चेक करना। वीडियो के बाद में तुमको पता चल जाएगा मैं इस टाइप के एंडर चेस्ट क्यों हमेशा प्रेफर करता। बाकी मैं अभी यहाँ पे पूरा एंडर चेस्ट फिर से एक्सप्लेन करने का मन नहीं है मेरा। बाकी अगर तुमको मन जानना हो इतना सारा स्टफ मेरे पास, ये सारी चीज़ें, तो तुम वो वाली वीडियो देख लो। ये मेरे पास लगभग हर एसएमबी हर एरिया में होता है। अब ये तो तब भी मेरा लाइक पर्सनल वर्ल्ड खेलने के लिए सर्वाइव वर्ल्ड है अपना, तो इसके अंदर तो फिर बनता ही है ना सारी चीज़ें। मैं तुम्हें दिखाऊँ अभी, उतर उतर उतर, क्या बात है, ये देख लो, ये विलेजर ये लोग सारा काम करते हैं, खाना वाना पकाते हैं, खुद खाते हैं, ये भैया को खिलाते हैं, भैया तक खाना पहुँचता नहीं है, इसके अंदर जाके गिरेगा एंड फिर वो हम नहीं 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 यार भैया सॉरी, देखो आप ही के बेड खा रहे हैं, अच्छे है ना, बहुत ही बढ़िया। उठरा क्यों नहीं मैं, ओके यहाँ से हम लोग आए। ये वाला विलेज तुमने लास्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा देखा होगा, बट अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। अब मैं तुम्हें प्रॉपर एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ का लुक प्रॉपर दिखाता। द अल्टीमेट कैसल ब्रो, इस चीज़ का जो लुक है, मेरा क्या हो गया जोड़ नहीं पा रहा। आई मीन पूरा मैक्स आउट एनचांटेड आर्मर इसलिए इतना ज़्यादा ये हो गया भाई, क्या दिख रहा है ये चीज़। एक तो डेजर्टेड एरिया है ना, वाइट वाइट हो जाता है पूरा, उसके अंदर ब्लैक स्टोन ब्रो चार चांद लगा देता वो चीज़। ये देख लो फिर हम लोग कैसल के एंट्रेंस से पहले यहाँ एक फाउंटेन बना हुआ है बेसिक सा, खाली खाली लग रहा था एरिया और कुछ नहीं। इधर आएंगे, ये देख लो हमारे स्टीवीज़ होम है। स्टीवी इन द सेंस एक एक्सलॉटल है, मेरे एंटर चेस्ट में पड़ा होगा एक्सलॉटल, उसके लिए मैंने एक पॉन्ड बनाया था। क्या दिखता भाई, एंड ऑल्सो शेडर्स के अंदर यार यू नीड टू अप्रिशिएट शेडर्स। देखो बहुत लोग मैंने सुने हैं कि वो लोग बोलते हैं यार मुझको पसंद ही नहीं है शेडर ब्रो, तुम एक्सपीरियंस ही नहीं किए हो, कैसे पसंद आएगा तुमको। अब ये देखो कितनी क्यूट दिख रही है चीज़, लगता है क्या नॉर्मल माइनक्राफ्ट। देखो पर्सनल अपना अपना ओपिनियन है, मैं कुछ बोल नहीं चाहता उस चीज़ के ऊपर। ये बढ़िया सा फिशिंग एरिया, यहाँ पे फिश भी कर सकते हैं, यहाँ से पानी वानी आ रहा। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ गार्डन, क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं होते डेजर्ट के अंदर, वहाँ पीछे से लाया हूँ मैं और कुछ नहीं। यहाँ पे आएंगे सामने, एकदम ऐसा करप्टेड वाला एरिया है पूरा ये, यहाँ से ज़मीन के अंदर से उखड़ रखा है पूरा एरिया, जहाँ से एनचांटिंग एरिया है हमारा। छोटी सी स्माइली के साथ ऊपर एनचांट करना है, दो बेसिक सा पार्कोर और तुम यहाँ एनचांट वनचांट जो कुछ करना है कर लो, दिखता बढ़िया है। फिर तुम मेन कैसल पे लाता हूँ मैं अभी, कैसल से पहले इस बिल्डिंग जो है ना सामने वाली ब्रो, क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा नहीं कि एक सेकंड मैं F1 में दिखाऊँ तुम्हें, ऐसा लग रहा कोई थंबनेल ही है इसको, मैं अगर फोटोशॉप में कट कर लूँ ना इतना शार्प कट होगा ये। छोड़ो मैं बोल भी क्या रहा, बात भी क्या कर रहा, नहीं बट सच में अच्छे से कट हो जाएगा, वाइटनेस कितना आ गया उसको। अब देखो कैसल जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पे हमारा, भैया आपका नेम टैग नहीं है, दिया तो था मैंने। यहाँ पे एक और गुल्लू भैया थे जो कैसल का प्रोटेक्शन करते थे, पर शायद वो स्वर्ग गए नर्क गए वो नहीं पता मुझको, बट निपट लिए। अब अंदर चलते हैं, ये मेन गेट है कैसल का, इधर आ जाते एक बेसिक सा वर्क स्टेशन जो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी पर्सनल रूम, बट उससे पहले देखो हर बार रूम के अंदर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, जितना बड़ा कैसल उतने ज़्यादा तुमको घूमने फिरने के लिए
बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, तुम नहीं करते। एक तो इलेक्ट्रा की आदत पड़ने के बाद तो वॉकिंग को छोड़ ही दो, कोई बंदा नहीं करता। ये छोटा सा वर्क स्टेशन, यहाँ पे सामान वामान रहता है रखा हुआ, आयरन तो फेंक रखा है मैंने हर जगह, ब्लेज भी इतने मेरे पास, अभी तुम्हें दिखाऊंगा मैं जल्दी सारा सामान, ये सारा सामान वगैरह रखा है। इस साइड आएंगे, ये मेरे घोड़ों के लिए रखा है, दोनों को भी डायमंड का आर्मर दोनों को पहनाना। हाँ ये व्हाइट वाला, ये वाला है, यहाँ पे थोड़ी के लिए हेपेल्स वगैरह, ये चेस्ट के अंदर। अच्छा ये कैसल बिल्ड कर रहा था तब का सामान है। ये हमारा बाउडी गार्ड, ये बंदा पूरे कैसल को प्रोटेक्ट करता। हाँ बाउडी गार्ड भैया, खुश हो आप? खुश हो? एक छप्पड़ मार दूं। यहाँ देखोगे तुम, आइटम सॉर्टर लग गया है, पर्सनल रूम लग गई। आइटम सॉर्टर दिखा दूँ मैं पहले तुम्हें, यहाँ से सीधा आओ, लेफ्ट ले लो, अंदर जाओगे पूरा अंडरग्राउंड जाता हुआ रास्ता मिलेगा तुम्हें। जाओ 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 जाओ, एंड देयर कम्स दिस पार्ट। पूरा का पूरा कैसल वैसे ब्लैक स्टोन से ही बना है, ब्लैक स्टोन के ब्रिक्स और इन सारा कॉम्बिनेशन, क्योंकि वाइट एरिया में मेरे को वही अच्छा लगा करना। यहाँ आओगे टू सी लाइक वाओ डैम ब्रो। इसका सामान मैंने शिफ्ट कर दिया था, ये तो इसका है ना, पीछे शॉटर बना रहा था तब का है। पीछे भाई, ओह फॉर्चून थ्री एफिशिएंसी पाया, ओके आई विल यूज दिस। ओके तो यहाँ आइटम फ्रेम वगैरह लगे, आई मीन ये इसके पीछे कुछ नहीं है, दिखा दो तुम्हें तो, बस वो लगा है, बस मेरे को वो जगह अच्छी नहीं लग रही थी, खाली खाली। ये लगा हुआ है पहले ही फोटो, हाँ ये रह गया बढ़िया है ना। हाँ ओके फिर यहाँ हो गए टू सी दिस प्रॉपर। मोस्टली मैं बोलूँगा हर ब्लॉक का तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस ब्लॉक्स को मोस्टली रखता हूँ या फिर मेरे चलकर से या फिर चेस्ट के अंदर रहेंगे उन्हीं ब्लॉक्स को लगाया मैं। जैसे देखो अभी यहाँ मैं डेजर्ट में हूँ, सैंड स्टोन, सैंड तो भाई अंधा रहना है मेरे पे, और फिर उसके बाद ये डर्ट लगी हुई, ये शवल देख रहे हो, एफिशिएंसी 5 है ना, हाँ है, और अनब्रेकिंग 3 भी लगी हुई है, तो वो इतना फास्ट तोड़ती भाई समझ नहीं आता। तो मगर मेरे हिसाब से देख लो, 1.5 मिनट अगर माइन करोगे ना तो तुमको ऑन एवरेज 1-1.5 हज़ार ही डर्ट मिल जाएगा। फिर स्टोन हम लोग को मिलता रहता है, क्योंकि मैं मोस्टली सेल्टच यूज़ करता। आई स्टिल रिकमेंड, अगर तुम्हें एंडर चेस्ट और मेरे सारे टूल्स यूज़ करने का तरीका जानना हो तो यार इस वीडियो को देख लो, वो तुम्हें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर कॉबल स्टोन मिलता रहता है, बुक्स से यार एनचैंटेड कर रहा था ना तब वो लग रही थी, पेपर शुगर केन फार्म से वो लगेगा, लेदर मारते रहता हूँ मैं, बोन मारता रहता हूँ मैं किसी को भी, डाइम ये क्ले क्ले भी मिलता था क्योंकि सैंड वैंड हो गया ना, ब्रेड और ये दोनों फूड फार्म की वजह से बनाया मैंने, रेड स्टोन ये तो माइनर माइनिंग करके आते हैं अपन सारी चीज़ें, तो ये वाटर एनचैंटिंग भाई ये तो से ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की हुई है। ई चेस्ट के अंदर भी मैं रखा ही होगा, ये देखो ई चेस्ट क्या इन्वेंट्री में ही रखा होना चाहिए था मेरे, बट ठीक है चलो छोड़ो। बाकी हॉपर से बिल्ड बिल्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो उसके लिए ये मेंटेनेंस रूम तो मैं दिखाता हूँ। फिर सारा सारा ऐसे ही लगा हुआ है, अब इतने जो चेस्टर बचे हुए हैं जिनको देखना बाकी है, अब जो सामान इसके अंदर से आएगा, ये जो व्हाइट लाइन ये जो दिख रहा है तुम्हें, तो कॉर्ड्स की स्टेयर्स, इसके पीछे सारा मैकेनिज्म है, इसके अंदर से जो भी जाएगा, जहाँ जो चीज़ मैंने अलाइन नहीं की यहाँ पे, जैसे सर्कल देखो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ अलाइन नहीं की हो, नेदरराइट नहीं है, नेदरराइट अगर मैं किया हो तो वो ऐसा आएगा और यहाँ से आके इस एरिया के अंदर अंदर चला जाएगा, यहाँ से समा हो जाते, देखो इस साइड दिखेगा तुम्हें सारी चीज़, इसके पीछे पूरा मेंटेनेंस है, इधर देखोगे तो यहाँ से आके इसके अंदर आएगा सारा सामान, जो चीज़ शॉर्ट नहीं होनी है, इसके उस साइड ओशियन है तो उस चीज़ को इग्नोर करना। अब मैं तुम्हें लेके चलता मेंटेनेंस रूम के अंदर। कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है इतना रेस्टोरेंट देख के। आइटम सॉर्टर के ट्यूटोरियल्स तुमको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे, मैं तुम्हें ट्यूटोरियल देना नहीं चाहता, बट बेसिक से लिए तुम हॉपर्स के अंदर हॉपर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, उसको रेडस्टोन के साथ नीचे रिपीटर्स और लगे होते हैं, जो चीज़ इसके अंदर 41 तक रुकती है वही चीज़ आगे नीचे शॉर्ट होगी, बाकी फिर ऊपर के इस हॉपर से सामने चलती चल जाएगी बस। फिर यही सेम स्ट्रक्चर उस साइड से बना है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर चेंजेस, देख लो पूरा उधर तक जा रहा है। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ऊपर और दूसरी जगह में। जैसे ही तुम ऊपर आओगे ना तुम्हें ये जो एरिया दिखेगा, यहाँ से तुम लेफ्ट ले गए तो आइटम शॉट, बट यहाँ से अब तुम पर्सनल रूम में जाओगे। पर्सनल रूम भाई तगड़ी डिज़ाइन की है मैंने, अब किसी को पसंद नहीं आती तो भाई आई कांट डू दैट, आई कांट डू एनी थिंग, डैमेज ले लूँ मैं पहले। यहाँ पे आओगे बढ़िया से, एंटर करते करते एक बार तीरंदाजी हो जाए, मेरा वेलकम हो गया, बढ़िया से बुकशेल बुकशेल लगे, यहाँ थोड़ा सामान वामान है, चेस्ट है, कुछ भी नहीं, इनके पास बाद में आता मैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई मैंने, ये पागल आदमी होते हैं इनको लाने में दिक्कत, बाद में ट्रेड तो इतना करते ही नहीं है, रिफ्रेश करे जा रहे रिफ्रेश रिफ्रेश करे ही नहीं रहे सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ एक पेंटिंग लगी है बढ़िया से, यहाँ से देखोगे तो तुम्हें एक नॉर्मल सी रूम दिखेगी, इस कॉर्नर में जाकर देखोगे तो तुम्हें ट्रिपल रूम दिखेगी, थोड़ा सा मिराज टाइप का देखने का, इल्यूजन मिराज, हाँ उस टाइप का कुछ बनाना मैं ट्राई किया था, यहाँ से दिख नहीं रहा उतना प्रॉपर, बट ये चीज़ ये कॉर्नर बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, पता नहीं मैंने कैसे डिज़ाइन कर लिया बट कर लिया। अब यहाँ से आते हैं इस साइड, अब ये मेरे मेरे रूम का वर्किंग एरिया है, यहाँ पे लगभग गेम के अंदर के सारे वर्क स्टेशन लगे हैं, हर एक क्राफ्टिंग टेबल ये सब सब कुछ, यहाँ पानी डाल दूँ मैंने, ये तो डाल लेते अपन ऊपर से उठा लेंगे, ये बेल वेल लगी है, सारा सामान है, क्लॉक भी लगा है, अभी शायद से रात हो रही है ऊपर, राइट। अब इधर आएंगे तो यहाँ पे दो आर्मर रखे हैं,
ईचेस में रखा सामान, ईचेस देख लो फिर से, एक लेटर पड़ी है और एक शील्ड। शील्ड देखो मोस्टली हाथ में मेरा टोटम होता है, बट बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ना शील्ड लगती, उससे शील्ड को ऊपर रखा है। बाकी ये रहा अपनी स्टीवी ऑक्सलेटर जो बुरा था, ये बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग बाहर ही पड़ा है, बस इसको लेना है एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ से इस साइड आओगे तो मैं दिखेगी बेडरूम, यू बी लाइक डैम ब्रो क्या दिख रहा है, देख रहे हो ये नवाबी, देख रहे हो मेरी डायमंड जड़े हुए हैं। ओ शिट स्ट्रिंग लग गई, नहीं 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 ये चीज़ बढ़ती ना भाई पूरा फैल जाती फिर नीचे तक, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये चीज़ को रोकने के लिए मैं स्ट्रिंग लगाई वहाँ पे, वो विजिबल नहीं होता, वो ब्लॉक्स भाई ब्लॉक दिख रहा है इसलिए। यहाँ से देखोगे तो रूम भाई डैम ब्रो, फिर अंदर आओगे तो वो भाई ये लगा है मस्त फूल, इसमें देखोगे तो सब्सक्राइब, और सामने जाओगे तो सब्सक्राइब करने जा ही रहे तो डू लाइक द वीडियो ब्रो, मेहनत लगती है इन चीज़ों को, तुम लोग सपोर्ट दिखाते नहीं हो, ठीक है वॉट एवर तुम्हारी इच्छा। फिर अगर तुम्हें सोने से बोर वोर होता है तो यहाँ पे म्यूज़िक व्यूजिक सुनने के लिए लगा हुआ है, म्यूज़िक व्यूजिक सुनो। यहाँ पे एकदम खतरनाक ड्रैगन वाला हेड है, फिर विदर वाला हेड है, यहाँ पे ऊपर से विदर रोज लगा है, यही ये वो बीकन वाले टाइम पे लिया हुआ है भाई, हमारा फट परेशान हो गया था, मेरे बहुत विदर रोज है पता है, वो विदर बेदा बाहर घूमे जा रहा था मस्त से एकदम, इतने मॉब्स को मारा है उसने, बट वो छोड़ो ठीक है होता रहता है। अब ये हो गया आप लोग का सीन मेरे पर्सनल रूम का, देख लो वापस, हाँ इन चीज़ों पर आया नहीं था ना, उससे पहले एक एम एम, यहाँ पे प्रॉपर एम वाला प्रैक्टिस वाला सीन है, इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट काम है। ये देख लो बंदा तीन एमरल्ड के अंदर बॉटल एन्चांटिंग बेचता, एंडरपर्ल का मेरे को अच्छी जरूरत नहीं पड़ती अभी क्योंकि एंडरमैन फार्म से उठा लेते हैं अपन, बॉटल एन्चांटिंग बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है। इलाइट्रा भाई एक्सप्लोर करने जाओ ना तो इलाइट्रा टूटती है, वो चीज़ रिपेयर करवा देगा। बाकी ये बंदा सेम बॉटल एन्चांटिंग बेचता और इस बंदे को बॉटल एन्चांटिंग ठीक है गलत बोला ठीक है हंसो मत, ये बॉटल एन्चांटिंग बेचने के लिए किया था, क्या क्या बेचता है ब्लास्ट और पीछे इससे तो चैनलिंग, हाँ ओके चैनलिंग वाला हाँ। वैसे ऊपर मेरे पास जो विलेजर फार्म है उसके अंदर भी बंदा कर देता है, बट मोस्टली मैंने इसको नेम टैग के लिए बनाया था, कुछ भी करो बंदे के साथ तो वो नेम टैग लगता है, वरना डिस्पॉन होने वाला सीन है, बोट के अंदर रखो तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब चलो ऊपर चलते हैं। बाकी का पूरा कैसल पूरे दिखाता मैं, मेन तुम्हें एक बार स्पॉन पॉइंट घुमा के लाता हूँ मैं, चलो एक काम करते सुबह कर लेते ठीक है, फिर अभी तुम्हें एक बार सुबह मैं लुक दिखाता कैसल भाई, तो बहुत मेहनत की मैंने, मेरे को पता है ब्लैक स्टोन तोड़ने में कितना टाइम गया था, मैंने कोई ब्लैकस्टोन का फार्म भी नहीं बनाया ऊपर से, सारा ब्लैकस्टोन माइन किया है मैंने, दो तीन घंटों के अंदर हो गया होगा माइन, बट स्टिल तब भी दो तीन घंटे उतनी ज़्यादा आदत नहीं है, आई एम नॉट इन टू बिल्डिंग एंड ऑल, बट पता नहीं मेरे को अब मज़ा आने लग गया है। हाँ एक चीज़ मैंने जो बोला था, ये चीज़ इस चीज़ का बताना बाकी है ना, यहाँ पे देख लो ये है आइटम ड्रॉपर, आइटम सॉर्टर जो दिखाई नहीं, यहाँ से तुम लेफ्ट लोगे नीचे जाओगे ये एरिया वो लगभग देखो इस पिलर के नीचे होगा आइटम सॉर्टर सारा, बट मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया है ना इस वाला स्टेशन को, यहाँ पे अगर तुमको सामान डालोगे ठीक है, जैसे सब सैंड है, सैंड इसके अंदर डाल दी तुमने तो वो ऑटोमेटिक कम हो रही, नीचे इसके नीचे हॉपर्स लगे देखो, वो हॉपर्स समो कनेक्ट करेंगे नीचे वाले जाते जाते, वो उनका तरीका है भाई, अब मैं पूरा ये तो नहीं दिखा सकता तुम्हें, अगर मिलता है तो मैं रिप्ले डाल दूंगा या फिर छोड़ दो कोई नहीं मैं नहीं दिखा रहा। यहाँ इस जगह पे जो देख रहे हो तुम, यहाँ पे तुम लोग शल्कर रख सकते हो ऐसे खुद के, अब मैं शल्कर रख नहीं रहा, शल्कर खुद का सामान यहाँ से डीलोड कर लेगा इसके अंदर में अल्सो, फिर अब ये चेस्ट एरिया है तो यहाँ पे ये भी रखा ही होगा, ये चीज़ रखा है, यहाँ पे सामान है थोड़ा, ये वो बिल्ड कर रहा था मैं उस टाइम का सामान है, इधर कुछ है बस ऐसे सामान वामान स्टोर वोर कर सकते, ये दो चीज़ें हैं जो मेन है इस जगह की आइटम सॉर्टर की, आइटम ड्रॉपर की, ओके बढ़िया से यहाँ पे लगा है सारी जगह पे, अब आइटम ड्रॉपर भी बता दिया। सुबह का एक बार लुक देख लो भाई, यार ये दिखती बहुत ही, और एक तो शेडर्स के अंदर फॉग वाला उसको ऐसे कर रहा था ना फॉग के साथ, वो जैसा पीछे पीछे फ्लॉग अनडिस्कवर होता, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, फॉग क्या हो जाता उसका, फॉग डिसअपियर हो जाता जो था, डिसअपियर भी नहीं बोल सकते यार, जैसे हम लोग देखो पास जा रहे तो फॉग गायब होते जा रहा बट दिख भी था साथ में, हाँ डिसअपियर ही बोल सकते हैं फिर उसके हिसाब से। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये तुम्हें दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये विलेज सारा रिमूव कर दूंगा मैं बोला यार, फिर मैं कर रहा था पता, ये प्रोजेक्ट भी हाथ में ले लिया था बट बोला बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा ना, फिर देखो ये स्पॉन पॉइंट है, ये देखो चलता, बट ये एग्जैक्ट ये स्पॉन पॉइंट नहीं है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्पॉन पॉइंट दिखाऊँ तो है ब्रो, ऐसा कैसे हो सकता, लाइक जो माइनक्राफ्ट खेलते हो उन्हें पता हो प्रॉपर हो, जिस कभी भी कोई झाड़ हवा में नहीं रखते, और मेथ से तो ये चीज़ गलती होगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कितना भी गड़बड़ हो मुझे, मैं हवा में झाड़ कभी नहीं छोड़ता, ठीक है ओके रख दिया होगा कभी गलती से, बट नहीं रे मैं नहीं रखता कभी, चलो ओके वॉट एवर होता है कभी कभी। इस साइड कहीं तो स्पॉन था मेरा, अ चिकन बाय बाय चिकन, चार मिला लूटिंग थ्री भाई लेट्स गो, ये था मेरे पास पहले एक देखते ना, नहीं था शायद से मेरे पास, वो लूटिंग से खाना ज़्यादा मिलता मेरे को पता नहीं ये चीज़,
कहाँ था एग्जैक्ट स्पॉन पर मैंने मार्क किया हुआ है, स्पॉन पॉइंट पे मैंने डी जब जो बिल्ड करा था मैं वहाँ से, मेरे को स्पॉन पॉइंट चाहिए था एग्जैक्ट, मेरे को एंड से आने से एलेट्रा चाहिए था मेरे को इसलिए एक्स्ट्रा वाला, वो टूट गया था उस समय, मैं रिपेयर करना भूल गया था, तो मैंने उस जगह से स्पॉन के लिए यहाँ पे ये लगाए थे क्या बोलते हैं जिससे ब्लैक स्टोन ओके भाई मैं शब्द क्यों भूल रहा था, अरे कहाँ है वो ब्लैक स्टोन, तो यही कहीं होना चाहिए था पता है, 170 मीटर्स पे है ना कैसल, ऐसा कैसे हो रहा। ओके वॉट एवर, ये भी थोड़ा सस्पिशियस सी चीज़ थी बट ठीक है मैं भूल जाता हूँ कभी कभी होता है, ऐसा कुछ नहीं वॉट एवर, मेरे को एक बार पानी भी चाहिए, पानी लेते हैं अब चलो भाई इधर हश। ये समझ लो एक, मेरे को पता नहीं ब्लैक स्टोन कहाँ चला गया बट ठीक है वॉट एवर। ये ब्रो व्हाट डज दिस मीन, नहीं रे ये नहीं किया मैंने कभी, एक ऑफ कैमरा मैंने इतना सब कुछ किया बट इसका क्या मतलब हुआ, कुछ है क्या चेस्ट के अंदर। अच्छा एक मिनट, मैं किस चीज़ के लिए रिएक्ट कर रहा है इतना तो पता ना हो, तो ये चेस्ट जो लगे हुए लाइन से मैंने नहीं लगाया भाई कभी, इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये चीज़ करूँ कभी, इतना वुड भाई मेरे को पता है मैं कितना टाइम पास किया था वहाँ, उसके टाइम पास इन द सेंस कितनी देर मेरे को लगी थी वो सारे आइटम्स आउट के लिए चेस्ट लाने में, उतने कुछ तो होगा मेरे यहाँ रखे ऐसे तो, एटलीस्ट मैंने इतने रखे तो मैं यूज़ तो करूँगा उसका, मेरे को बिल्कुल याद नहीं भाई मैंने कभी ऐसा कुछ किया है ना, किसी भी चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, दैट सस्पिशियस। एक सेकेंड एक सेकेंड, इधर की चेस्ट में कुछ होगा ना फिर, यहाँ का तो चेस्ट में सामान तो सही है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, मेरे को चेस्ट वैसे देखा जाए तो मेरे को चेस्ट याद भी तो नहीं है, इसमें से भी कुछ नहीं है, क्यों हंस पे ऐसी चीज हो गई भाई वो, मेरे को अब ज्यादा डाउट आने लगा पता है, कि यहाँ जो चीज हुई थी ना दैट नेवर हैपन्स भाई, वो मैं कभी नहीं होने देता वो गलती, अब ऐसा क्यों लग रहा मेरे को कि कुछ तो गड़बड़ है, देखो नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट ये देखना यहाँ पे अभी तक अपन ने, मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया अभी, यह गड्ढा रखा है करके, और ये गड्ढे में कोई तो गया आई बिन ठीक है, और उसने कोल आधा तक लिया देखो, यहाँ से लेके निकल गया, यार मैं नहीं करता ये चीज़ें यार, करप्ट वरप्ट हो गया शायद से वर्ल्ड, ओके ठीक है, वैसे लग रहा कि कोई तो गया है, थोड़ा फार कोल उठा लिया चले गया, ठीक है वॉट एवर चलता है अपन लोग, ने को कुछ नहीं करना समझ, देख लेंगे अपन क्या दिखाना बाकी है तुम्हें, बस एक बार मेरे को यार कुछ भी हो मेरे को तुमको एक बार रात का लुक दिखाते, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी प्लान कर रहा हूँ मैं, ये सारा का सारा विलेज विलेज ये सब उड़ा देंगे, इतना नेक्स्ट लेवल बनाएंगे अभी अगला, ऐसे सभी को बहुत ज़्यादा प्यारा बनाना यार मेरे को, वॉट एवर देखते ये चेस्ट क्या, मैं भूत पता नहीं मैं कैब लगाया मैंने, ये थोड़ा सस्पिशियस तो है बट छोड़ो होता है कभी कभी, चल लगा लिया होगा मैंने मजा मजा खेलते खेलते कभी, क्योंकि चेस्ट होगी भी मेरे पास शायद से, क्योंकि आइटम शॉर्टर था ना तो उसके अंदर बना से बहुत चेस्ट थे तो खेल लिया होगा मैंने, इधर काउस, वो मेरी काउस इतनी क्राउस ब्रीड की थी मैंने पता है, एक बार एंटिटी क्लैशिंग हुई थी यहाँ पे, इतना गेम लैग करा था यहाँ पे, ये जो ये नहीं बना रहा था मुझको क्या होता है, मैं आज सारे के सारे सब भूल रहा भाई क्या पता नहीं यार, एक एक लाइक तो बनता है तुम लोग का, क्या पता तुम्हारे लाइक से मुझको सब कुछ याद आ जाए, ये मैं बोल रहा था जो आइटम फ्रेम नहीं होती वो बनाने के लिए लेदर लगता है, तो उस लेदर के लिए फिर सारा सीन था, इतने का उसकी ऐसा लैग हुआ भाई गेम उस चीज़ से क्या बताऊँ, अब चलो तुम्हें दिखाता मैं अंदर, बाकी सारा चीज़ दिखा के हो गया, बस एक रात रात होने में अभी बढ़िया सा लुक दिखाता तुम्हें रात का, वही एंड कर देंगे, वो दिखता यार ये बहुत कूल दिखता, मेरे को तो बहुत पसंद आता है, मेरा बिल्डिंग में इतना ज़्यादा मन नहीं था पता है, आई एम द ग्राइंडर पता है, अभी ज़्यादा सामान वामान निकालता तो मेरे फास्ट स्पीड रखा था, और नॉर्मल लाइफ कभी करूँगा ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितनी जल्दी क्या क्या चीज़ें कर सकता, एक्सपीरियंस तो है अपने पास, बट अब जब से बिल्ड किया है ना हर जगह मेरा बिल्ड करने का मन करता अब, बट क्रेजी बिल्ड बताओ फिर कुछ अच्छा सा, जल्दी तुमको हार्डकोर में बहुत ज़्यादा क्रेजीस्ट चीज़ दिखने वाली है, सो मेक श्योर सब्सक्राइब फॉर दैट।
मैं तुम्हें दिखाऊँ अच्छे एकदम बढ़िया में, देख लो लास्ट लुक, इसके बाद मैं फिर से एक राउंड ले लूंगा। मेरे को पता है मैंने बहुत राउंड ले लिए, बट दैट्स फ्रिकिंग कूल गाइस, दैट्स फ्रिकिंग कूल। बॉडी गार्ड भैया उधर का है देख रही हो, किसी ने छुआ नहीं का। अच्छा क्या बोल रहा मैं, चलो भाई अपने अपने जगह में चलो, वी आर गुड। कि अब अगली सुबह के साथ एक बार वीडियो एंड करेंगे प्रॉपर से, मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके एक मिनट, तब तक के लिए सच में 1 out of 2 प्लेयर स्लीपिंग। कुछ होगा ग्लिच, सही हो जाएगा शायद से, मैं सुबह से सीधे उड़ जाऊँ। ब्रो हेलो, 1 out of 2 प्लेयर स्लीपिंग का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड में बताओ। अरे सच में 1 out of 2 प्लेयर का क्या मतलब होता है? आई मीन देखो ये मेरा सिंगल प्लेयर वर्ल्ड था पता है, अभी तक मतलब अभी तक ही बोलना पड़ेगा ना, बंदा कौन है ये देख तो सही। 1 out of 2 प्लेयर देखो तो सही वो चीज़, 1 out of 2 प्लेयर स्लीपिंग दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं कुछ ग्लिच हो, मैं लेजिट सो रहा, सुबह नहीं हो रही वो चीज़ के। देखो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, सी नहीं हो रही सुबह, अटका हुआ है चीज़ अभी वहीं पे। हेलो मतलब अभी तक मैंने जो जो देखा वो सारी चीज़ें सस्पिशियस नहीं थी, आई मीन सस्पिशियस थी और मेरा शक सही था क्योंकि वो मैंने चीज़ नहीं की थी। एक सेकेंड, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहा अगर कोई है, बट कैसे पॉसिबल है? आईपी तो किसी को नहीं दिया मैंने अभी तक आईपी, अब तो सुबह कर पाने का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो बंदा कौन है जो कोई, ये सोएगा नहीं सोएगा पता नहीं, या फिर मैं सो के ट्राई, बट कैसे मैं सो ढूंढूंगा नहीं, रात भर में बहुत कोई आगे निकल सकता, मेरे को लजिट लगा वहाँ कोई है। अभी उठा ही देता मैं उसको इसी जमीन से, निकलो यार तुम लोगों के लिए टाइम भी नहीं है मेरे पास, वन शॉट होनी तुम धनुष के, धनुष है ना? हाँ यप, आई एम डैम श्योर अभी कि ये गड्ढा ये पेड़ और वो चेस्ट वो काम मेरा नहीं है, डैम श्योर, क्योंकि मैं इतना तो भाई इतना माइनक्राफ्ट खेलता हूँ मैं, लेजिट तुम्हें बताऊँ तो भाई इतना माइनक्राफ्ट खेलता हूँ मैं तो मुझे अच्छे से पता है मैं जिस क्या किस कब कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता था, बट स्टिल मैंने डाउट किया। अब इतना कन्फर्म है कि कोई ना कोई है भाई, और वो बंदा एक 1 out of 2 प्लेयर स्लीपिंग। बट फिर ऐसा है तो आज तो मैं लगभग सुबह से खेल रहा था, डेकोरेट कर रहा था पूरा सर्वर, तो फिर वो बंदे का मेरे को एक बार भी मैसेज नहीं आया ना ज्वाइन करने का, और मेरे को जितना पता है हाँ मैं लाइक कल से, कल का माइनक्राफ्ट वाला कल का जो दिन होता है ना उसके अंदर मैं सोया था, ऐसा कोई दिखाया नहीं मुझको 1 out of 2 प्लेयर स्लीपिंग। हाँ आई मीन स्पॉन पे तो नहीं आया था, और वो चेस्ट विलेज में भी गया ही नहीं मैं तब से, तब से इन सेंस क्या लास्ट 5 6 दिनों से नहीं गया हूँगा माइनक्राफ्ट 5 6 दिनों से, क्योंकि यहाँ पे अगर होता, क्योंकि ये जो पाथ देख रहे हो तुम सारा, ये एनचेंटिंग टेबल तो बना ही था अब भी, एक एक आध घंटे रिकॉर्डिंग ऑन करने से 1 घंटे 1 आध घंटे पहले बनाए। कुछ कौन है भाई, कुछ तो प्रूफ छोड़ा होगा बंदे ने, इधर उधर देख लेते हैं। नहीं बट स्टिल ये चीज़ आसान नहीं है, पता नहीं मेरे को हेलमेट निकालने की आदत है, सीरियस सिचुएशन में भी ऐसी बात कर रहा मैं, पर स्टिल आई डोंट नो। नहीं यहाँ लाइट अच्छी आ रही है, आउट तो अच्छी लाइट में देंगे। ए यार हबुड़े हबुड़े, हाँ ठीक है आई वॉज हियर ब्रो, ये चीज़ थोड़ा सीरियस हो गई है, हम देख लेंगे कि क्या सीन है, मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में इसी केस के साथ, तब तक के लिए आज तो बुई बोलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बाय बाय, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, शायद से कुछ तगड़ी चीज़ मिल जाएगी, बाय बाय।